हाँ जी, ओ फैज भाई, और बेटा मेरा बेटा, और बैठे हो? माशाल्लाह, मेरा पारा बेटा उठिया है। इधर थोड़ा जी बैठो, ये लो बहन ना खेल ली भाई। फैजा हाँ खेलो, ये लो। ये क्या, ये शीशा है, इसमें अपना चेहरा देखना है। अच्छा जी देखो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं दुआ करनी है मेरे बहन भाई जित्थे हो गए खुश हो गए आबाद हो गए, अलहमदुल्ला अस भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस नेक दुआ के नाल अज की वीडियो करने जी आगाज, नाश्ता पानी करवा के ना, तो हूँ जी 2 मिनट बैठे हैं धुप से, क्योंकि धुप लगी हुई, मैं 2 मिनट सेक लगे, उस तो बाद रहने जी करने जी मशीन का काम। बस जी अज तो कल जो बस 2 दिनों के कपड़े हैं ये सिलाई करके ना, फिर उत्थे पिंड जाके कोई 1-2 सूट हैं उन्होंने होर सिलाई करने ने, तो फिर कुछ ना फुर्सत मिलेगी। मैं 2-3 तो मेरा प्रॉपर जाने वीडियो भी नहीं बन रही, सिर्फ इस मसरूफियत च, क्योंकि बस ना उन्होंने फिर अपने गाह कहन तो बस फोन कर देते हैं, बस मजबूर हो जाता जाना पैंता है, वरना घर का जरा काम काफ़ी होंगे है। हूँ जरा जी मशीन कल की क्ढी तो कपड़े भी जो दोवे काफ़ी जुड़े पे ने, और घर की उतनी सफाई भी नहीं हो रही जी प्रॉपर मैं कर दी। तो फैजा जी ना हूँ जी उठी है, तो फैजा ने हूँ जाना जी दुध, क्योंकि उन्हें मैं दुद्ध काढ़ के सुबह रखे तो फिर पा दें जी, तो बाकी वो कुछ पी ले सी, तो मैं जी अपना मशीन ना करा। इतना की जी पा दें, क्योंकि फिर बच्ची है थोड़ा जि पीती है और ज्यादा इतना नहीं पीती, तो फिर बाद पी ले सी, फिर तो पी लगे। लो जी फैज, ये आपका दूध भी फड़ो, ये आपका फीडर, हाँ फड़ो माशाल्लाह पियो। फैजा जरा इन्नी दुद्ध पीती पी, और मैं नाल जरा अपनी मशीन की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि चटाई जी बिचू कढ़ लेनी है रखी हुई है जी, इधर बेच रख दी अलमारी दी, कुछ चीज़ा वाद हो ना वो फिर अलमारी से रख देती है, बाहर फिर रखने की जगह नहीं ना इतनी, इस वजह ना फिर इन्हें रख दे जी को बाद गाट वाली चीज़ हो ना, फिर बस उठ दी पीती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फैजा जी मेरे नाल नाल सारा दिन रहना है और मेरे मंगे मंगे रहना है। देखे जी मैं चटाई भी छाई है कि इतने मैं मशीन क्ढा तो कपड़े लिया रखा, और फैजा रानी जी है ना वो सब तो पहले आ गई इतने, फैजा इतने पाला है उसके बावजूद इतनी छां है। मैं जी चटाई इस जगह लाई है कि अगर मैं उसे धुप्प लाव ना तो फिर मैंने चुक के ना मशीन लियानी पड़ी है, तो हम तकरीबन कोई 1/2 घंटे तक ना सारी जी ना ये भी धुप्प आ जानी, फिर इतने शाम तक जी ना वो धुप रही है इस नुक्कर मसलन इस जगह पर, तो इस वास्ते मैं चटाई इतने लाई है। छापा लेना एक बार कर लें, क्योंकि इन्हों की मैं राती कटाई करके रखी है, मैं जो कटाई हुई पी होना तो फिर जरा सिलाई जो जल्दी हो जाते हैं, ये बार कर लें और चेपी और छापर है तो ना करो बेटा। हाँ जी, तो चेपी और छापर जो भी बार कर लिया, और जो कपड़े सिलाई करने वो भी बार रख लिया उन्हें छापर दोवें, तो मशीन जी भी मैं डाल दी है, लेकिन यह मशीन डाई तो जी फैजा रानी है ना वो सब तो पहले मशीन त्याग गई। फैजा तुम नहीं मशीन चलानी बेटा, ना बेटा वेखिए हूँ इन्हें सारिया चीज़ा मेरे ना चुक के बाहर मारनिया ने, गला ने उन्हें खाली कर देना, ना बेटा ऐसा ना करे। और इन्हें कमरे जी ना ऐसे तू बिस्तर जो चुका रहा है, क्योंकि फैजा हूँ उठी है, तो ये बिस्तर भी मैं चुक लेनी हाँ, और जी ने चादर थे एक कर दें, क्योंकि फिर अगर कोई ऐसे मेहमान है जिन्हें अंदर बनाना पैदा तो फिर इस वास्ते ना चार पाई जी सैट करके रखने दें। हाँ जी, तो कुछ इस तरह मैं सैटिंग कर दी, कमरे सफाई हो गई, उसके बाद बंद कर देने और चलने जी मशीन पर, तो सुबह सुबह जो जाए। फैजा बेटा ना करें, ना करें बेटा, पीछे हो जाए मैंने काम कराने हट जाओ। फैजा जी ने बाहर देखो कि मैं उड़े खलोते ने, मैंने कुछ तेल ला के कंघा फेर देव, फिर उस तो बाद बवानगे। हाँ जी, तो ना जी ने चार पाई मैं ला दी तेरे को, भी जो मेरे को आवेगी बैठ जाएगी, और फैजा जी ने उन्होंने भी तेल ला के कंगा शंगा फेर दिता है, और मुंह हाथ भी धो दिता है। फैजू बेटा हेलो, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तो पहले जरा जी सूट सिलाई करने है जी, रेशमी सूट है और नाशमी टांग के जरा सिलाई करना है, रात को मैं कटाई करके जी रख दिते हैं कपड़े, मैं क्योंकि सुबह फेरना जल्दी हो जाती, क्योंकि बच्चों का करना घर का करना वो फिर जरा काम उतना प्रॉपर नहीं ना होता जितना फिर बंदा
घर का खेचल ना अवित करे। वो फिर मैं रात को ऐ कटाई करके रख दिता सूट, और इन्हू जी सुबह सिलाई करने है बेल्ट वाली जी ने सलवार की सिलाई करनी, तो मैं इन शहर के भैन भाइयों भी खावगी सिलाई करके ऐ बेल्ट है और ऐ जी ना जी सलवार है, दो सलवार है और एक जी ऐसी सैड तक रख दें फिर बाद सीने बेल्ट है, तो ए जी ने इन्हें सिलाई है सूट में पहले मुकम्मल सिलाई करने है। रील जी मैं ला दी है सूट के नाल दी फायदा जी ने रही पी है कि मैनू मशीन चलावन दे, लेकिन मशीन मैं नहीं चलावन आनी क्योंकि इन हथ भी आया सी और मैनू फिर मेरे को काम भी नहीं होना, इस वजह दिन जी मोबाइल तीन दिन लाले च लगे तो मैं जी इन्हें नाल काम कर लवाना। हाँ जी, तो एक जरा सूट है ना वो मैं सिलाई कर लिया है। हाँ ये देखे जी, ये देखे भाइयों ने मिलती है जितने जिते भाई ने जिन्हें चले जाते हैं ना दमें बहन भी रात उदो पिछू बड़ा ना जिम्मे मसा मसा रही है क्योंकि बच्चे फिर बच्चे हाँ उदास हो जाती है, तो हूं देखे देखे कि मिल रही है भेन भाई कैसे मिलती है माशाल्लाह। ये देखे ये देखे पिछू हाथ कैसे करती है खुश मेरिया कीड़िया दो कीड़िया घुट घुट के छोटी जी है भाई नाल फिर ज्यादा ही प्यार है। ये देखे पिछे वेख कैसे मिल रही है, ये देखे ये मेरा बेटा है, छोड़ो इसको चमट गई। हाँ जी, तो एक जरा सूट है ना वह मैं सिलाई कर लिया होया और त्रिप्याई जी ना रात को करा सूई ना करनी है, बैठ वाली सलवार सीती है और नाल जी ने कमीज सी दी है, और दूसरी जी रील है ना वह मैं चाढ़ ली हुई है ऐली और जी ना ऐली सलवार ने यह भी सीनी है और यह भी बैल्ट वाली सीनी है नाल जी लड़की है ना वह मैं ला दी है, तो इन्हू सीने सू खाना दे रही ने पहले तो उस बाद जिन्होंने सिलाई करने है तीन सलवार जी वह रह गई ने चार सलवार आ गई सिलाई करने वाली और कमीजा मुकम्मल हो गई ने रात को फिर जी मैं तुरपियाई कर लवानगी क्योंकि दिन जी तुरपियाई करा तो फिर सिलाई नहीं आंदी इस वे। हाँ जी, तो मियाँ साहब जो जुम्मे तो वापस आ गए ने और जो बच्चों खाना दिता है उन्होंने खा रहे हैं ऐसा जी ने खाना खा रही जी अज खाना खा रहे जी अचार नाल अचार और नाल चोपी रोटी बड़ी मजा करती पी क्यों ऐसा कैसी लग रही अच्छी लग रही माशाल्लाह ऐसा ना के हूं धुपते बैठी है। हाँ, तो फैजा रानी जी मेरी है ना वो नाल नाल खेलती बनती है, हेलो हेलो क्या कर रही हो माशाल्लाह। हाँ वो खेल रही है और मियाँ साहब ने मेरा खाना खा लिया और बिलाल खाना खा के तो गन्ना चूपता पिया। मैं अपनी जी भैन भरा अपडेट नाल दिती रखा कि मैं काम करती पी हाँ हूँ मैं जी जी सूट सिलाई करके उस तो बाद दो जी सलवार ना वो मैं सिलाई कर ली हुई ने मैं थोड़ा दिखा देव जी एक ऐसी सलवार है ये सिलाई की है देखो जी फैसा ना उत्ते आख लम्मी होगी ये सूट में सीना है पाना है मैं सी देव गैन बेटे को और एक ऐसी दो सलवार जी हूँ और सिलाई हो गई ने और इस तू बाद ना तकरीबन तीन जी सलवार सिलाई करना चाहिए ने क्योंकि कमीजा जी दे सिलाई उन्होंने करने है बड़ी उम्मीद है कि शाम तक ना तीन सलवार मुकम्मल हो जाए उस तू बाद फिर जरा दूसरा करा गे और रात में जी तुरपियाइया करा गे। मैं पकान लगी हाँ जी गुड़ वाले चावल और प्याज मैं कट के उत्ते रख दिते ने क्योंकि मैं बनाने जी तड़के वाले, तो तुम जिस तरह बनाते ने तुम भी जरूर कमेंट करके दसना है, लेकिन मैं तो तड़के वाले बनानी हाँ तो बड़े मजे के बनते हैं, तो तुम जी नाल रहना तो मैं तुम्हें दिखावगी किस तरह के बनते हैं, तो हूँ जी ना जी मैं चावल जी ने चुकती पी हाँ हालांकि मैं छंड के रखे ने मैं फिर भी कोई बिच रोड या वंड या कोई चीज़ ऐसी ना हो क्योंकि नाल तड़के तो लगता ती करना मैं भी चूरा चावल चुग लेनी है। तू अपना काम कर बाय बाय गल्ला नहीं ऐसी सुनना आए तेरिया तड़का जड़ा ना जी इधर लगता पे और प्याज सिर्फ प्याज ही ब्राउन करने ना बस और कुछ भी नहीं करना ना सिर्फ कले प्याज जड़े ना जी ब्राउन करके दोस्तों बाद इधर वे जड़े ना जी चावल पानी ऐड कर देना फिर उन्हें वे पता नहीं कि मैं करना है बेगम दस्ते की बनाना
मैनु नहीं पता, मैनु तो दूसरे तरह पता है कि सादा जरा ना पानी उबाल के उस गुड़ जरा ना वो बना के उसका शीरा जहा बना के उस तो बाद फिर उस चावल मतलब जिस तरह जरदा पकाई ना उस तरह के बन देने उस तरह बनने लेकिन वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते जितने तड़के वाले लगते हैं। ये ज्यादा खाधे जाने ने और अच्छे भी लगते हैं कि वो दूसरे फिर दुध पा खाने पाते हैं या फिर चौपड़ने पाते मक्खन लेकिन मक्खन तो है नहीं इस वजह मैं तड़के वाले बना देनी है क्योंकि फिर अच्छे खा जाते हैं। ओए फैजा 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 ना बेटा कच्चे चावल नहीं अच्छे होते नहीं अच्छे होते ना चोर पै गया नहीं बेटा नहीं चाहिए आपको अच्छा एक चावल उसमें मुंह में डाला डाल लिया वो दबियों ने चले ना बस दबी जा रहे एक दाना उन्हें पा लिया मुंह में दिखाओ मुंह में क्या है दिखाओ मुंह में क्या है दिखा ऐसे करो दिखाओ 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 हाँ जी वो इधर पका रही है चावल फिर बाद में खाना ठीक है अभी ए दुने उने पक जाने दुने उने देर कोई नहीं लगनी बस आ तड़का लगा दे लो दोवे भेणा जी बढ़िया ना आंदी फिर जल्दी जल्दी पक जाए वेखी होने किन्ने खाने ने खुशी वाले बड़ी की चौल पक रहे ने लेकिन खा लवे ते फिर फिलहाल वास्ते मैं आटा गोल लवे रोटी दा हां ओदे वास्ते रोटी पका दी आपका भी पता चल जाएगा आपने भी खाने हैं या नहीं खाने ये भी अभी बाद में पता चलेगा ना हाँ ना करो फैजा बेटा ना करो ये लग जाएगी आपको चोट लग जाएगी तो खाने भी है। अच्छा ठीक है खा लेना हाँ जी हाँ फिर फैजा को भी कुटेंगे ना करो ये लग जाएगी चोट लग जाएगी ब्राउन हो गए ने पा देने जी पानी इतना के पाने चावल पा के बाद पूरा कर ले सर हाँ जी जरा अद्धा किलो जी है चावल और डेढ़ पा जाने होंगे इसमें गुड़ पाती पी चावल मैं दो ले आई बिस्मिल्लाह चावल पा के पानी लेना जी पूरा कर लेने क्योंकि जी गरी है ना असी नहीं खाते हुई और ना ही बच्चे ने सौगी खानी होंगी हालांकि जी मना कर दी मैं बेटा कुछ थोड़े बहुत पावन दे ढक्कन दे देने तकरीबन पंजा मिंटा दे चावल तैयार हो जाए आपने खाने अच्छा वाह भाई वाह
अगर आपने ना खाए ना बजे, अगर आपने ना खाए ना फैजा, मेरी बात सुनो, ऐसा ना लगी हुई ना, ऐसा चढ़ जा पख लेने तो सबर करो, सबर करो। क्योंकि फैजा दी ऐसा दी जड़ी है ना जी पसंदीदा डिश बनती पई है, और फैजा ते आपस में बड़ा एक्साइटेड हो रही है दोवे, हम पता नहीं इन्हें दिल नाल केड़ा बंदा खांदा है, ये नहीं सानू पता। प्याज आला तड़का है ना विच ते जरा जायका थोड़ा जा हुंदा, करारा करारा जा मसला बन जांदा है। चावल जड़े ने जी साडे तकरीबन होण वाले ने, तकरीबन बस थोड़ी देर बाद दम ते लगन वाले ने जी, चार पाइया लाल भी अंदर फिर बच्चे ना बेटा आपके पास बैठे हुए ना इस तरह शरारते किया करो, ऐसा चावल जड़े ने जी हो गए दम ते आ गए ने, दम ला दिता बेगम ने सोने नाल, और थले बिलकुल मामूली जी अग, लेकिन भी जड़ी है ना बंद कर देनी, अग की जरूरत हूँ कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट जड़े ना वो दम लगे रहेंगे और चावल जड़े ना तैयार हो जाएंगे। वैसे जड़े ना जी वो चूल्हे के आले दुआले बैठे हुए ने की करते पे जे, फैजा चलो तीनों उठ जाओ पहले, और अपनी अपनी कैप जो है ना वो पहन लो चल के। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਜੇ ਹੈ ਫੈਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਟੇਕ ਆ ਰਹੀ अगर तू ना ना खादे ते जेरे ते फिर मैं तेनू कुटना है ना, वो फिर पूरे दुनिया वेखेगी, इतने खाओगे ना। चलो ठीक है, आज पता चल जाएगा। पापा जी आइला को मारूंगा और वीडियो मैं बनाऊंगा। हाँ ये सही होगा, और फिर जब आपको पढ़ेगी तो फिर वो वीडियो बनाएगी, ऐसे ही है ना है? मजबूरी बन गई है ना। चलो मजबूरी नहीं है ना, उन्हें कोल लाना नहीं बाल्टी और चम्मच भर भर के नेते पौने ने, फिर मैं रोकनी है थोड़ी पाओ लेकिन ज्यादा ते ओ मिठे चावल है ओ दिख जाए ओए किधर वो कहने नहीं कि मैं कंप्यूटर चलावा नहीं चलाना बेटा अभी अभी नहीं चलाना। हांजी बेटा दिल्ली हो थाले तमालू थालिया लेके आ गए जी वड्डा हांजी ओ भाई मेरी फैजा नु पहले दो ओ अपना बर्तन दे के ते अपना नंबर लवा के जा रही है, और अपनी चम्मच भी उस उठा ली है। चावल ते नहीं मेरे कल दादा साहब दा लंगर खुल गया। लो बेटा ये गरम है ना ले। ते इस तरह नहीं ना तू ओंदे प्रात च पा ना सारे एको बारी, तू ठंडे करके फिर पा के दे। खावा जल्दी जल्दी तू प्रात च पा ना सारे। बिल वैजा बेटा बात ले। ओए होए होए कितना रोड़ा पाई जा रही है फैजा। उन्हें अगे थोड़े जे चखे है ना अपनी खाली प्लेट जे चमची मार मार खादी जांदी मिल जाते कुछ नहीं होता मिल जाते है फैजू उधर वेख उन्दर वेख एक्साइटेड हो रही है।
हाँ इधर आजो भाई के पास, इधर भाई के पास आजो। हाँ आजो, हाँ ये देखो जी उसने चमची भी दे दी, ठंडे करके ठंडे करके ठंडे करके। बस सो रहे हो ना ठंडे? तो बताओ कैसे बदे? थोड़े ना बेटा थोड़ा थोड़ा ठा ठा कर दुखवा और ही रुक दी करे। हाँ जी कैसे लगे जी? वेरी गुड, वाह भाई वाह, क्या बात है। और ये सब लोग पूछ रहे हैं भी इन्हें कैसे तरह दे रहे हो जी? लो जी मेरे लिए दो। बहुत ही मजेदार जड़े ने जी चावल बने ने, अपना अपना एक जायका जड़ा है ना, तड़के दा अपना जायका आ रहा है और बादाम दा जड़ा है ना बिच अपना जायका आ रहा है और गुड़ दा माशाल्लाह फिर अपना ही है। ते बहुत ही ना मजेदार बने ने, तुसी भी इस तरह जरूर बना के एक बारी खाने और जरूर ही जड़ा है ना इंशाल्लाह मजा आएगा। और अगर तुसी इस तरह पका के खाते हो तो कॉमेंट कीजिए जाना जरूर दसना। हां जी रज गए हो, रज गए हो, रज गए हो, चावल खाए? अच्छा और ऐसा भी खा रही है जी, और ऐसा कुलूक जड़े ना ए फिनिश नहीं हो रहे तो ये फिनिश लाजमी करेगी वरना इन्हें मेरे को कोट खानी है। हाँ जी बच्चे तो वाकई लगे ने मजेदार चावल बने ने ऐसी ना गला के मीठा कदी इतना नहीं शौक ना खाला जितने से खा रहे ने ते बच्चे भी खा रहे और असी भी खा रहे ने। होने जी बर्तन मैं कोई रख ले नहीं बाबा, तो बर्तन मैं धो के रखा गई चावल वाले बर्तन ने सुबह ने इन्हें फिर तो चावल जड़े ना सोक जावे फिर लंदे नहीं इस वजह ना बर्तन ने मैं धो के रख लेनी है। और दो दिन ने ओ उतरा के तो गर्म हो रहा ओ थोड़ी देर ठहर के ते फिर पीवांगे क्यों खाली और चावल खा देने जल्दी जल्दी जड़े ना नहीं पीछे फिर बाद में पीवांगे। ते और जड़े ना मैं सुबह तो ला के हूं तो जो मेरा जो काम किया मैंने बैर भाई ने शेयर किया है तो उन्हें जी रात काफ़ी हो गई है मेरा पै गया हूँ अपनी भैर को दे दो जी इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखना है दुआवें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह निगेबान।